हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने डेज। दिस इज योर होस्ट प्रणीत समैया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ चुनिंदा लव स्टोरीज के बारे में। आपने तो बॉलीवुड में बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, बहुत रोमांटिक मूवीज देखी होंगी, एक्शन मूवीज भी देखी होंगी, कॉमेडी मूवीज भी देखी होंगी, लेकिन जब लव स्टोरी की बात आती है तो कुछ ऐसी मूवीज है जो जहन में आती हैं जिनकी स्टोरी आपके दिल को छू जाती है। आज हम बात करेंगे उन्हीं कुछ मूवीज के बारे में। जरूरी नहीं है कि यही मूवीज टॉप 10 में हो, ये मेरी पसंद की टॉप 10 है और भी मूवीज हो सकती हैं जो आगे भी इस लिस्ट में आए। तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए नंबर 10 से। तो नंबर 10 पे है मेरी लिस्ट में मैंने प्यार किया। 1989 में आई मूवी मैंने प्यार किया सलमान खान की पहली मूवी थी जिसमें उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था। डेब्यूटेड थी भाग्यश्री और मूवी के डायरेक्टर थे सूरज बड़जात। ये एक ऐसी इनोसेंट लव स्टोरी थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी। बात करते हैं नंबर 9th की। तो नंबर 9th पे है रहना है तेरे दिल में। आर एस स्टेडियम के नाम से मशहूर रहना है तेरे दिल में 2001 में आई मूवी थी। ये मूवी जब पिक्चर रिलीज हुई थी थिएटर में तब इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी, लेकिन जब ये मूवी टीवी में आई उसके बाद ये मूवी को एक कल्ट का सिंबल मिल गया, इतना बड़ा स्टेटस मिल गया कि लोग आज भी जब लव स्टोरीज की बात करते हैं तो आर एस स्टेडियम का नाम उस लिस्ट में जरूर होता है। मैडी और रीना की लव स्टोरी लोगों को काफी पसंद आई थी। एक कैसे मैडी 5 दिन में रीना का दिल चुराता है। बात करते हैं अब नंबर 8 की। नंबर 8 पे है हमारी लिस्ट में बहुत ही फेमस, जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। 1995 में आई मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक है। राज और सिमरन का रोमांस और लव दर्शकों को काफी पसंद आया था और ये मूवी आज तक मराठा मंदिर में लगी हुई है। बात करते हैं नंबर 7th की। नंबर 7th पे है 2016 में आई मूवी सनम तेरी कसम। शायद ज्यादा लोग इस मूवी के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन ये मूवी इतनी इमोशनल है और इतनी माइंड ब्लोइंग मूवी है कि आपके हार्ट को जरूर टच करेगी। हर्षवर्धन राणे और मावरा हॉकेन स्टारर मूवी सनम तेरी कसम बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है जो आपके दिल को जरूर छुएगी। बात करते हैं नंबर 6th की। नंबर 6th पे है तुझे मेरी कसम। 2003 में आई मूवी तुझे मेरी कसम रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा का डेब्यू मूवी था। यार रितेश भाई, ये मूवी कब आओगे आप थिएटर से बाहर? कब मिलेगी मुझे ये मूवी देखने टीवी पे? आज तक दर्शकों का इसका इंतजार है क्योंकि इस मूवी का सीडी और डीवीडी आज तक बना ही नहीं है और दर्शक आज भी इस मूवी को देखने के लिए बेचैन है। लेकिन कभी कभी ये मूवी थिएटर्स में दोबारा लगती है और जब ये दोबारा लगती है तो आप लोग यकीन नहीं मानेंगे कि मूवी हाउसफुल जाती है। मैंने खुद ये मूवी सिर्फ थिएटर्स में ही देखी है और थिएटर्स में लगभग मैंने 7 से 8 बार देखी है। लकीली जब मैं जिस सिटी में होता था वहां पे अगर ये मूवी लगती थी तो मैं बिना देखे उसको रुक नहीं पाता था। ये डेब्यू मूवी रितेश देशमुख और जेनेलिया की इतनी प्यारी लव स्टोरी है कि बचपन से कैसे नेबर्स एक दूसरे को चाहते हैं, दोस्त बनते और फिर उनको प्यार होता है। बहुत ही खूबसूरती से इस मूवी को फिल्माया गया था। अब बात करते हैं नंबर 5th की। दिलवाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन प्यार में कोई पागल हो जाए ऐसे दिलवाले को आप पहली बार देखेंगे। और ये मूवी और कोई नहीं, मूवी है दिलवाले 1994 में आई अजय देवगन। मेरी नजर में अजय देवगन ने इस मूवी में अपने पूरे फिल्मी करियर का सबसे शानदार तरीके से रोल प्ले किया था। एक पागल प्रेमी का रोल अजय देवगन ने जिस खूबसूरती से प्ले किया था भाई, माइंड ब्लोइंग था। अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी स्टारर मूवी दिलवाले बहुत ही शानदार मूवी थी और उसके गाने भी काफी फेमस हुए थे। अब बात करते हैं नंबर 4th की। 2013 में आई मूवी आशिकी 2 एक बहुत ही हार्ट टचिंग मूवी थी। अगर आपको एक सेल्फलेस लव देखना है, एक इमोशनल मूवी देखनी है तो आशिकी 2 आपके लिए थी। आशिकी 2 में सारे गाने पॉपुलर हैं और स्टोरी भी इतनी शानदार है कि आपके दिल को जरूर छुएगी। आरोही केशव सिरके, ये कैरेक्टर का नाम है श्रद्धा कपूर का, और राहुल जरकर, ये कैरेक्टर का नाम है आदित्य रॉय कपूर का, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही शानदार है और देखते ही बनती है। अब बात करते हैं हमारी टॉप 3 की। तो मेरी नजर में 3rd पोजीशन पे है बर्फी। जी हाँ, रणवीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा का जो एंगल दिखाया है, जो इनोसेंट लव स्टोरी दिखाई कि एक डेफ एंड म्यूट गाय और एक मेंटली डिसेबल्ड गर्ल, इन दोनों में जो केमिस्ट्री दिखाई भाई वो काबिले तारीफ थी। ये 2012 बर्फी बहुत ही जबरदस्त मूवी थी और जो भी रोमांटिक मूवी पसंद करते हैं उनको ये मूवी जरूर पसंद आएगी। अब मैं बात करता हूं नंबर 2 की।
बहुत सारी मूवीज आपने देखी हैं कि पहली नजर में प्यार होता है और फिर आगे बात बढ़ती है, लेकिन ये मूवी कुछ ऐसी है जिसकी कहानी दिल से शुरू होती है और आंखों पे खत्म होती है। एनी गैसेस? जी मैं बात कर रहा हूं मूवी सिर्फ तुम की, 1999 में आई मूवी। इतनी प्यारी और इतनी ब्यूटीफुल लव स्टोरी है कि ये आपको जरूर पसंद आएगी। कैसे दो लोग जो कभी मिले नहीं है खतों के जरिए उनको प्यार हो जाता है, और कितनी खूबसूरती से डायरेक्टर ने इस मूवी को फिल्माया है आपको बहुत पसंद आएगी। संजय कपूर और प्रिया गिल ने दोनों ने शानदार अभिनय किया है, और इस मूवी में जो जान है वो है फिल्म की स्टोरी। जरूर देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। अब मैं बात करता हूं नंबर एक, तो दोस्तों मेरी नजर में नंबर वन है वीर ज़ारा। भाई किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान है तो इस मूवी में जान तो होनी ही होनी है। शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी स्टार मूवी वीर ज़ारा एक ऐसी कहानी है जो आप हमेशा याद रखेंगे। एक मूवी में आप हमेशा देखेंगे कि इंटेंसिटी है, सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जब आप सोल की बात करें कि यार किसी मूवी में कोई सोल मिले, लव स्टोरी में सोल मिले, तो आपको वीर ज़ारा में मिलेगा। एक कैसे इंडियन एयरफोर्स का पायलट वीर प्रताप सिंह कैसे एक पाकिस्तानी लड़की को सपोर्ट करता है और उसके प्यारे पड़ जाता है ज़ारा हयात खान, और कैसे उसको बदनामी से बचाने के लिए खुद को पाकिस्तान के जेलों में बंद रख देता है। ये बहुत ही शानदार लव स्टोरी है जो जब भी आप बॉलीवुड की लव स्टोरीज की बात करेंगे तो इस मूवी का नाम जरूर पाएंगे। तो मेरी नजर में ये मूवीज थी जो टॉप 10 लव स्टोरीज मेरे को पसंद आई है। देखिए और भी ऐसी मूवीज हैं और हम लोग अगले एपिसोड में इसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी और लव स्टोरीज लिस्ट में ऐड हो सकती है। आपकी नजर में अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कोई मूवीज है जो इस लिस्ट में ऐड होनी चाहिए तो हमें जरूर कमेंट में बताएं, अगले वीडियो में मैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज प्रणीत समैया साइनिंग आउट फ्रॉम एंटरटेन्स। Subscribe to EnterTaste to get movie reviews, trailer reviews, TV TRPs, product launches, new releases, and also sports-related videos. Click on the bell icon and never miss an update.